गुड इवनिंग एंड जोहार। और आप लोगों को हम मेरा एक नया वीडियो में स्वागत कर रहा है। और आज का वीडियो स्पेशली बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा है, जो कि YBY फंड के बारे में। और हमको पता है कि आप लोग जो भी नया व्यूसर लोग जो भी अलग कास्ट का या अलग हम लोग आसाम को जो भी व्यक्ति देख रहा है, वो यही व्यक्ति होगा जो लोग YBY में फंड किया है, YBY में इन्वेस्ट किया है अपना पैसा। हमको अच्छे से पता है, ठीक है। तो वही का सोल्यूशन, वही का कुछ सॉल्यूशन देने के लिए हम ये वीडियो को बनाने जा रहा है। और मेरा स्पेशली वीडियो हम आदिवासी लैंग्वेज से बनाता है, ठीक है। हम आदिवासी लैंग्वेज से बनाता है, अपना खुद का लैंग्वेज से बनाता है। लेकिन आज हम लोग का असम का पब्लिक, असम का यूथ लोग, असम का लड़के लड़की लोग, असम का ब्रदर सिस्टर लोग, जो लोग YBY में फंड, YBY बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, वो लोग का प्रॉब्लम हो रहा है। यानी कि हम भी क्या है, हम भी एक तो यूट्यूबर है, हमको भी पता है कि ये थर्ड पार्टी है या फेक भी हो सकता है या फेक है, लेकिन भी हम इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और हम इन्वेस्ट किया है लेकिन भी हम अपना पब्लिक को, अपना जनता को, हम किसी को भी अब तक रेफर नहीं किया है कि भाई हम ये वाला बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं, आप लोग भी कमाओ। हम ये वाला बिजनेस में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है, सिर्फ 6,000 में हम अभी 12,000 विड्रॉ कर लिया, आप लोग भी इन्वेस्ट करो, बोल के हम किसी को भी फोर्स नहीं किया है। क्योंकि हमको पता है कि ये धोखा देने वाला ऐप से, हम लोग का पैसा को लूट के जाने वाला ये ऐप से, हमको पता है। तो हमको पता है कि आप लोग का भी साथ यही हो रहा है, आप लोग को भी डाउट में हो रहा है कि हम लोग क्या, अभी का जो नोटिफिकेशन आया है व्हाट्सएप में, जो नोटिफिकेशन आया है कि हम लोग उसको 6,000 पेमेंट फिर से कर दें, ठीक है। तो आज वही चीज को लेकर हम लोग बातचीत करने के लिए कोशिश करेगा। हो सकता है कि मेरा हिंदी थोड़ा माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लीज आप लोग एडजस्ट करने के लिए कोशिश करिए। तो देखिए, फर्स्ट टाइम हम लोग जब ये बिजनेस में ज्वाइन किया, सब लोग आप लोग 6,000 यानी कि 6,000 रुपीज देके आप लोग ज्वाइन हुआ। और जैसा 6,000 पैसा देके ज्वाइन हुआ, अच्छा खासा आप लोग को इनकम भी दे रहा था, नहीं दिल्ली में डेली आप लोग को 8 बजे या 7:30 आसपास में सिग्नल आ जाता था, आप लोग को पैसा मिल जाता था टाइम में। और पहले में क्या था कि जब फर्स्ट पर ज्वाइनिंग किया था, जब जो 400 एक दिन मिलना है डायरेक्ट 400 ही मिलता है। लेकिन आज तो कुछ 1.5 महीना का चेंज हो चुका है। आप लोगों को पता है 1 तारीख से विड्रॉ होना बंद हो गया, पैसा आना बंद हो गया। पैसा मिल रहा है डेली, दो दो सिग्नल दे रहा है, पैसा मिल रहा है लेकिन विड्रॉ आना बंद हो गया है। जब विड्रॉ आना बंद हो गया, जब बहुत सारा आदमी लोग विड्रॉ प्रोसेस किया या विड्रॉ किया, तब वो लोग को बोला गया कि हम लोग 9 तारीख को विड्रॉ करने के लिए ऑप्शन देगा, यानी कि 9 तारीख को सब लोग विड्रॉ कर सकते हैं अपने अपने पैसा, ठीक है। हम लोग 9 तारीख को रुक गया ना, YBY फंड का मेंबर्स लोग, जो लोग YBY फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, 9 तारीख के लिए रुक गया कि अच्छा 9 तारीख आने वाला है, 9 तारीख में हम लोग पैसा विड्रॉ कर लेंगे, यानी कि आज 9 तारीख है। जब आज 9 तारीख आ गया, हर सुबह में एक SMS आता है व्हाट्सएप ग्रुप में कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या कुछ मतलब बैंक में कुछ गड़बड़ करने के लिए सभी को 6,000 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा, फिर से 6,000 रुपीज। 6,000 रुपीज पेमेंट करने का बाद ही, KYC फॉर्म फिलअप करने का बाद ही आप लोग 12 तारीख को आड़ी बाड़ी आल बाल कर सकते हैं, ऐसा बोल के दिया होगा ना। तो आप लोगों को शायद समझ में आ रहा है SMS में क्या बोला है, अच्छे से समझ में आ रहा है, हमको बोलने के लिए जरूरी नहीं है। तो आप लोग देख सक रहे हैं ना कैसे हम लोग को उल्लू फ्रॉड बनाया जा रहा है। भाई फास्ट में हम लोग 6,000 पैसा दिया, अभी फिर से 6,000 पैसा क्यों देगा? और हम लोग दे भी दिया, वो लोग हम लोग को पैसा नहीं दिया तो क्योंकि आप लोगों को पता है, हम लोग जो लोग YBY फंड में ज्वाइन हुआ है, आप लोगों को पता है कि हमेशा व्हाट्सएप में एक SMS आया करता था, आपको पता है कि आसाम में ये फ्लड होने की वजह से हम लोग पैसा डोनेट कर रहा है, चैरिटी डोनेट कर रहा है 20 मिलियन, 20 मिलियन, 200 मिलियन, इतना सारा डोनेट करने के लिए पैसा है वो लोगों के पास, लेकिन हम लोग का 6,000 पेमेंट करने के लिए वो लोगों के पास पैसा नहीं है। क्या बात हुआ ये? आप लोगों को पता है कि असम में फ्लड बम पानी होने की वजह से इतना पैसा डोनेट कर रहा है, व्हाट्सएप में आता था जरूर। आप लोगों को पता है कि चैरिटी में डोनेट करने के लिए 200 मिलियन रुपए हम लोग डोनेट कर रहे हैं, आता था व्हाट्सएप में, इतना सारा पैसा डोनेट करने के लिए आ रहा है, तो अचानक से ये 6,000 रुपीज वाला कहाँ से आ गया? और जब 9 तारीख का पहले बोला कि 9 तारीख का हम लोग विड्रॉ करने का प्रोसेस देगा, 9 तारीख का आगे में नहीं बताया, 7-8 तारीख को नहीं बोला कि हम लोग कि ऐसा ऐसा फॉर्म ला रहे हैं, ऐसा ऐसा KYC फॉर्म हम लोग फिलअप करेगा, आड़ी बाड़ी करेगा, ऐसा नहीं बोला, 9 तारीख को डायरेक्ट क्यों बोला? समझ में आ रहा है? इसलिए हम किसी को अभी तक प्रमोट नहीं किया है, मेरा सब्सक्राइबर को भी, मेरा अपना फैमिली को भी, किसी को भी नहीं किया है। धोखा है सब, धोखा, पैसा लूटने का ये लोग वो है। इसलिए आप लोग यदि आप लोग YBY फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, तो अभी मतलब सपना देखने बंद कर दीजिए कि हम 2 महीने के बाद बाइक खरीदेगा, हम भी सोचा था खरीदेगा बोल के, नहीं मिलेगा, देख रहा है कितना चुटिया बनाता है।
ये थर्ड पार्टी वाला जो लोग ज्यादा दे पैसा ज्यादा दे के हम लोग का लालची देता है, उन लोग को भरोसा मत करिए। पर आदिवासी जनता मन के मैं बोलना चाहता, क्या हुआ भाई लोग, क्या हुआ हम लोग का आदिवासी भाई लोग, हम लोग का आदिवासी जनता, हम लोग का आदिवासी यूथ लोग बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था, क्या हो गया? अभी पैसा मिलेगा? आसरा क्या था बाइक खरीदने का? आसरा क्या था स्कूटी खरीदने का? अभी क्या हो गया? 2 महीना भी नहीं हुआ फिर से गंडगोल शुरू हो गया है। तो आप लोग एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करिए, और हम लोग आदिवासी जनता को हम पहले ही बोल दिया है कि कौन सा प्लेटफॉर्म में भरोसा करना है, कौन सा में नहीं करना है। जो ज्यादा पैसा दे के आप लोग को लालची दे रहा है, वो कहीं ना कहीं दिन आप लोग को पैसा लूट के भागना ही है। अभी हम किसी को इन्वेस्ट नहीं किया, हम किसी को अभी तक हम रेफर नहीं किया है। अगर यदि हम उन लोग को बोलना था भाई पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, मैं ज्वाइन कर लूँ वाईपीवाई फंड में, अगर वो लोग को ज्वाइन करके जो वो लोग का 6,000 रुपीज मारा जाने से बदनाम तो मेरा होना था कि ओम4PCL का वनर धोखेबाज से हम लोग से पैसा लिया, हम लोग को पैसा मार दिया। इसलिए हम पता है कि ये खाट पट्टी वाला ऐप से इसमें भरोसा नहीं करने का है, इसमें भरोसा नहीं करेगा, बात दे बात दो। हम खुद इन्वेस्ट किया है, हाँ हम खुद इन्वेस्ट किया, लेकिन हम किसी को रेफर नहीं किया। और हम जो इन्वेस्ट किया था हम उसके उससे ज्यादा हम विड्रॉ भी कर चुके हैं, लेकिन अभी कैसे भरोसा करेगा? किसको कंप्लेन करेगा? पुलिस को? किसको करेगा? पैसा अगर चला जाएगा 6,000 रुपीज। इसलिए आप लोग भी किया है तो सपना देखना बंद करो, और 6,000 रुपीज कोई पेमेंट नहीं करेगा। कितना दोम से व्हाट्सएप में बोल रहे, कितना दोम से बोल रहे हैं लोग व्हाट्सएप में कि 12 तारीख का पहले आप लोग को 6,000 पेमेंट करना है, तभी ही आप लोग को शॉर्ट सिग्नल जो ट्रेडिंग का सिग्नल आएगा उसको आप लोग क्लिक कर सके, यानी कि एप्स को ओपन कर सके। अभी ओपन करने के लिए जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट KYC फॉर्म फिलअप करने के लिए और पेमेंट 6,000 बोल के दिखाई दे रहा है, अंदर जा नहीं सक रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? हम लोग का बदले से लोग का बिजनेस चल रहा है, लेकिन अभी हम लोग को दम दे रहे हैं, हम लोग को डिमांड कर रहे हैं हम लोग। ऐसा एप्स को भरोसा मत करिए, और ये फ्रॉड होला है, ठीक है? कोई भी 6,000 पेमेंट नहीं करेगा, नहीं करने से वो लोग खुद ब खुद आड़ी बाड़ी आलबल हो जाए। तो हम यही हम लोग आसाम का पब्लिक और जनता लोग को हम बोलने जा रहा था, ठीक है? पहले भी हम वीडियो बना सकना था, लेकिन पहले मैं इनकम अच्छा खासा इनकम दे रहा था, प्रॉफिट दे रहा था, पैसा कमा रहा था 2 वीक ना, जैसा भी हो जो भी हो। लेकिन अभी आप लोग जाल में मत फंसिए, जितना फंस गया बहुत फंस गया। तो हम यही आप लोगों को जानकारी दे रहा था, ठीक है? तो आदिवासी जनता मान रारोमन बुझ पाएगा, वीडियो को शेयर कर देगा, शांति मठे, लेकिन 6,000 पैसा रारोमन पेमेंट नहीं करता। जोहर।